कोरोना वायरस की वजह से अब तक पूरी दुनिया में 40,554 लोग बीमार हो चुके हैं, इनमें से 910 की मौत हो चुकी है। लेकिन अब हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत में कोरोना वायरस का कितना खतरा है, क्या भारत में खतरा हवाई मार्ग से आएगा, भारत में कौन कौन से एयरपोर्ट के जरिए कोरोना देश में फैल सकता है। तो आपको बता दें, अभी तक भारत में कोरोना वायरस के 3 पुख्ता मामले सामने आए हैं, तीनों केरल के हैं। लेकिन अब भी सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है कोरोना वायरस के महामारी बनने का, क्योंकि वायरस के फैलने का सबसे बड़ा स्रोत है हमारे एयरपोर्ट। तो कौन सा एयरपोर्ट सबसे ज्यादा खतरे में है? तो आपको बता दें, दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस के फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है। इसके बाद मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोची अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम आता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस का 0.066%, मुंबई एयरपोर्ट पर 0.034% और कोलकाता के एयरपोर्ट पर 0.020% खतरा है। कोरोना वायरस की वजह से जिन देशों को सबसे ज्यादा खतरा हुआ है, उस सूची में भारत 17वें स्थान पर है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल देश और दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए।